हम पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है, उनको जेल में डालना चाहती है, और आज फाइनली ईडी ने इतने समय के बाद अरविंद जी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरती है, आम आदमी पार्टी से डरती है। आज लोकसभा चुनाव जब सर पे है, पूरे विपक्ष को खत्म करने के अलावा भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ना तो उन्होंने इतने सालों में कोई काम किया है कि जिस काम के आधार पे वो वोट मांग सके, और सारे विपक्ष को खत्म करने की एक पूरी साजिश उन लोगों ने रची है। ईडी जो है वो एक एक्सटोर्शन एजेंसी बन के रह गई है। ईडी के सारे जो भी मामले हैं वो सारे फर्जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए वो कई दिनों से समन्स दे रहे थे। हम पहले से बता रहे थे कि ईडी की मंशा साफ नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करना चाहती, वो अरविंद केजरीवाल जी को सवाल नहीं करना चाहती, वो ईडी भाजपा के इशारे पे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है, वो जेल में रखना चाहती है, और इसीलिए आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आम आदमी पार्टी और पूरे देश के अंदर इसका बहुत बड़े प्रत्याघात जो है वो भाजपा को आने वाले दिनों में सहन करने पड़ेंगे। ये पूरा खेल भाजपा का उल्टा पड़ने वाला है। ये जो भी आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करके राजनीति में अपना दमखम हासिल करना चाहती है, मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा का ये खेल जो है वो उल्टा पड़ने वाला है। इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, उसकी कोशिश की गई है, गिरफ्तार किए गए हैं, आने वाले दिनों के अंदर पूरे देश के अंदर हर घर से गली गली से केजरीवाल पैदा होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है।